सभी दिव्यांग साथियों बहनों को मेरा नमस्कार, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आपने थंबनेल देख के अंदाजा लगाया होगा और आपने सोचा भी होगा कि शायद हमारा कुछ नया अपडेट आया है जो ग्रुप डी के अंतर्गत था और हमने केस किया था दिल्ली हाई कोर्ट में, तो शायद उसका कोई अपडेट आया है। तो दोस्तों, मेरे हर वीडियो पे एक ना एक कमेंट मुझे ये देखने मिलता है कि सर, हमारा जो पीडब्ल्यूडी का केस हुआ था तो उसका क्या परिणाम हुआ, क्या अभी तक कोई रिजल्ट आया है, कोई सुनवाई आई है जो हमारे हक में है। और मैं उनको जवाब नहीं दे पाता हूं क्योंकि मेरे पास ही खुद सवाल का जवाब नहीं होता है। दोस्तों, आज 17 महीने हो गए, आप लोगों को याद होगा जो हमारा केस है 14/5/2019 को लगाया गया था और पहला अपडेट उसी दिन आया था 14/5/2019 को। आज दोस्तों 17 सितंबर 2020 आ गया, तो लगभग 17 महीना, आप खुद कैलकुलेट कर लीजिए, तो लगभग 17 महीना के आसपास हो गया। लेकिन एक छोटा सा केस है जिसमें किसी का नुकसान नहीं है, न सरकार को पैसा देने की जरूरत है, न कुछ ऐसा जिसमें सरकार का कोई नुकसान हो, ना किसी का नुकसान नहीं है फ्रेंड्स। लेकिन समाज का एक जो पिछड़ा वर्ग है हमारे समाज में, जिसको समाज एक्सेप्ट नहीं करता है, हम लोग बगल से गुजरते हैं, जब भी कोई दिव्यांग बगल से गुजरता है कोई बोलता है वो देखो लंगड़ा जा रहा है, वो देखो काना जा रहा है, यहां तक कि हमारे निक नेम भी रखे जाते हैं, ए कानिया, अंधा, ए बहरे सुन इधर, इस तरह से दिव्यांगजनों को बुलाया जाता है। हम सुनते हैं, कितना लड़ेंगे उन लोगों से, हमारे पास वो ताकत नहीं है कि हम हर लोगों से लड़ते रहे, इसलिए हमने सुनने की आदत डाल ली है। आप किसी दूसरे लोगों को बोलो जो अच्छा है, आपकी बात अगर ना सुने उसको आप थोड़ा बोलना, ए कानिया, वो आग बबूला हो जाएगा, शायद आपको मार भी देगा। लेकिन हमें सुनने की आदत हो गई है, क्योंकि अगर हम नहीं सुनेंगे तो शायद जो हमारे दोस्त है, जो हमारे मित्र भाईगण है, वो भी धीरे धीरे हमसे दूर होते जाएंगे। सो हमने सुनने की आदत डाल ली है। तो हमारा दोस्तों जो केस है, आज 17 महीना हो गया लेकिन अभी तक सुनवाई नहीं हुई। ये तो दोस्तों वही हो गया, आपने दामिनी फिल्म देखा होगा सनी देओल का, उसमें एक डायलॉग था सनी देओल का, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख जलसा। तो वही चीज हम लोगों के साथ भी हो रहा है। अभी तक सरकार के कानों में शायद नहीं गई है। कुछ दिन पहले दोस्तों ग्रुप डी, एनटीपीसी और रेलवे के सभी अभ्यर्थी और साथ ही साथ एसएससी के सारे अभ्यर्थी एक साथ हो गए थे इस तरह से, और सबने मिलकर आवाज उठाई ट्विटर पे, और प्रधानमंत्री का जो मन की बात आती है आप उसमें डिसलाइक देख लीजिए दोस्तों, लाइक से लगभग 400-500 गुना डिसलाइक है। और मुझे तो ये भी खबर आ रही थी कि शायद YouTube डिसलाइक को डिमिनिश कर रहा, खत्म कर रहा है, इतनी लोगों का गुस्सा देखने मिल रहा था। कोरोना की वजह से हम लोग रोड से तो बाहर निकल नहीं पा रहे हैं, लेकिन अपना गुस्सा डिजिटली दिखाए और सरकार के कानों में ये बात गई। सरकार ने हमारी नाराजगी, जो रेलवे अभ्यर्थी एसएससी के अभ्यर्थी है उनकी नाराजगी देखने को मिली, और सरकार ने तत्कालीन कार्रवाई करते हुए एक नोटिफिकेशन एसएससी के वेबसाइट में डाली कि आपका
नवंबर दिसंबर में एग्जाम होगा और कब कब रिजल्ट निकलेगा सारा कुछ दोस्तों उन्होंने डाल दिया। एसएससी को कुछ राहत मिला। अब आते हैं रेलवे वाले में, तो रेलवे के अभ्यर्थियों को भी इस तरह से एक दिन मुहिम उठाया, थाली बजाओ, दिया जलाओ, और मैंने भी भरपूर सपोर्ट दिया दोस्तों, सबने सपोर्ट किया और लगातार ट्विटर पे कमेंट पे कमेंट, रीट्वीट पे रीट्वीट लगातार लोगों ने किया और नंबर वन ट्रेंडिंग पे वो चीज आ गया, आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम डेट्स। और सरकार के कानों में ये बात गई, रेलवे मंत्री के कानों में, और उन्होंने भी इस गुस्से को भाप लिया। सो दोस्तों अब हमारी बारी है, जब तक दिव्यांग बंधु एक साथ मिलकर कार्रवाई नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होगा दोस्तों। सो आप सभी लोगों से मेरा नम्र निवेदन है कि प्लीज इस मुहिम से जुड़े। और दोस्तों हम लोग भी आज कितना डेट हो गया 17, 20 तारीख के डेट में, याद रखिएगा 20 तारीख के डेट में दिन भर सुबह 11 बजे से लेकर हम लोग भी ट्वीट करेंगे और देखेंगे कि शायद हम लोगों का आवाज सरकार तक पहुंचती है या नहीं। और हमारा हैशटैग रहेगा जॉब्स फॉर पीडब्ल्यूडी, याद रहेगा जॉब्स फॉर पीडब्ल्यूडी, आप लोग स्क्रीन पे भी देख पा रहे हो जॉब्स फॉर पीडब्ल्यूडी, ये हमारा हैशटैग रहेगा। और हम लोग, मैं इसको ट्वीट कर देता हूं और आप लोग इसको रिट्वीट कीजिए, या आप लोग भी अपने कमेंट के साथ ज्यादा से ज्यादा मोदी जी को टैग कीजिए और पीयूष गोयल जितने मंत्री जो बने हैं सबको पहुंचना चाहिए हमारी ये बातें। सो फ्रेंड्स याद रखिएगा 20 सितंबर को, आज से 3 दिन के बाद हमें ट्वीट करना है, रीट्वीट लगातार भरते जाना है, दिन भर बिना खाए पिए हम ट्वीट करेंगे। एक दिव्यांग अगर 100 ट्वीट करेगा तो 2011 की जनगणना आप देखोगे तो 2 मिलियन यानी 20 लाख दिव्यांग थे, तभी तो और 10 साल बढ़ गया, तो 2 की जगह 4 भी हो सकता है, तो 40 लाख दिव्यांग अगर सपोर्ट करेंगे तो सोचिए वो भी ट्रेंडिंग में आएगा और शायद सरकार तक हमारी बात पहुंच सकती है। सो फ्रेंड्स पता नहीं इस केस का रिजल्ट कब आएगा, अभी तो खैर वकील साहब से जो बात हुई थी लास्ट टाइम, आप लोगों को वीडियो के माध्यम से पता भी हो गया होगा कि क्या बात हुई थी, और अभी फिलहाल तो कोई बात नहीं हुई है, बट आखिर ये कब तक केस चलता रहेगा, 17 महीने के बाद भी कोई रिजल्ट नहीं आया और शायद अगले और 17 महीने चल सकता है, तो और हमें कोई अपडेट भी नहीं मिल रहा है। सो फ्रेंड्स अब डायरेक्टली हम, समय आ गया है कि डायरेक्टली हम अपनी बात सरकार तक रखें और अपने डिमांड करें जॉब्स फॉर पीडब्ल्यूडी, बस इसी को ज्यादा से ज्यादा रिट्वीट करेंगे और देखते हैं कि शायद हमें कितना सपोर्ट मिलता है और सरकार क्या हम पर कोई कुछ ध्यान देती है या नहीं देती है। और लास्ट में यही बोलूंगा दोस्तों कि आप लोग एक रहिए, यूनिटी एकता में बल है, मुझे दिव्यांगजनों में थोड़ी सी ये इस चीज की कमी लगी, आप लोगों के साथ मैं करीबन 2 साल से जुड़ा हूं, रोज मुझे फोन आते हैं। एक समय था दोस्तों जब स्टार्टिंग में जुड़ा था मैंने अपना पर्सनल नंबर जब शेयर किया था 200-200, 300-300 कॉल आते थे मुझे डेली, मैं सबका लगभग जवाब करता था, लेकिन मेरे हाथ में कुछ नहीं है दोस्तों, जिनके हाथ में है उनको अब उनके कान तक हमारी बात जानी चाहिए, तभी कुछ हो पाएगा फ्रेंड्स, अन्यथा समाज में हम कहीं गायब हो जाएंगे धीरे धीरे। और जितनी भी सरकारी नियुक्तियां आती है सिर्फ अन्य जनों को ही उसमें नौकरियां मिलेगी, तो दोस्तों मुट्ठी उठा लीजिए और याद रखिएगा 20 तारीख को, 20 सितंबर को
हमें ज्यादा से ज्यादा मात्रा में रिट्वीट करना है जॉब्स फॉर पीडब्ल्यूडी, याद रखिएगा। तो चलिए दोस्तों, इन्हीं चंद शब्दों के साथ आप लोग से विदा लेना चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत, जय दिव्यांग समाज।